भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो अस्थियां हमारे हरिकेगढ़ में आई हुई हैं, ये हरि के वासियों का सौभाग्य है जो यहाँ पर ये अस्थियों का दर्शन देखने के लिए हरिगढ़ की जनता के लिए मिला है। इससे ज़्यादा परम सौभाग्य क्या होगा। एक ऐसा आदर्श व्यक्ति कि जिए तो क्या जिए, अपने लिए सभी जीते हैं, लेकिन ऐसा महापुरुष जो विश्व विख्यात, जिसने अपना जीवन कभी नहीं जिया बल्कि अपना जीवन समाज के लिए अर्पण किया, ऐसे व्यक्ति के चरणों में सशक्त नमन श्रद्धांजलि। आज ये अस्थि कलश का क्या उद्देश्य रहा? आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थि कलश यात्रा जो निकली थी, उसका शास्त्रीगेट औद्योगिक संगठन द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी है। बस यही हमारा एक उत्सव था कि हमारे जो भारत रत्न रहे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के लिए दिया, ऐसे पुण्य आत्मा भारत माँ भारती के महान सपूत के लिए आज हम सब लोगों ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद हमारा पूरा संगठन अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज विश्व के सबसे बड़े नेता स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का विराट और महान व्यक्तित्व था। उन्होंने हमेशा अपना जीवन इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका संघर्ष हमेशा इस हिंदुस्तान का प्रत्येक भाई और बहन उनके संघर्ष को, उनके त्याग तपस्या को याद रखेंगे। आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।